हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारा पाठ चल रहा था 10वां अध्याय, नए साम्राज्य और राज्य। तो देखिए, पलवल, चालुक्य और पुलकेशियन द्वितीय की प्रशस्तियाँ होता। कल मैंने बेटा बताया जो राजा, जो कोई राजा या महाराजा, उसके जो जीवनी जो होती है, जो जीवनी के बारे में जो लिखा जाता है, तो प्रशस्तियाँ कहलाती हैं। तो देखिए, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कल हमने बताया, अब उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? हर्षवर्धन। और दक्षिण भारत में बेटा जो चालुक्य वंश के, दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो राजवंश थे, जो राजा थे, इनमें आपका पलवल और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, राजवंश थे, जिन्होंने जो दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। पल्लवों की राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक उनका जो है क्षेत्र फैला हुआ था। कह रहे चालुक्यों का जो शासन था कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक उनका शासन फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों का राजा कृष्णा और ये कह रहे जबकि जो चालुक्य जो लोग थे, जो शासक थे, उनका राज्य कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। आप अंडरलाइन कर लो, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो चालुक्यों की राजधानी बेटा ऐहोल उनकी राजधानी थी। एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था जो ऐहोल था, प्रमुख व्यापारी केंद्र था। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में हम देख सकते हैं। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, अर्थात दोनों में आपस में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि जो हैं रवि कीर्ति द्वारा रचित अर्थात लिखी गई रचना की प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें अनेक पूर्वजों और खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशियन द्वितीय को अपने चाचा से राज्य जो है मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम में दोनों समुद्र तटीय इलाकों में जो है अभियान चलाए, अर्थात इन इलाकों को जीतने के लिए अपनी सेनाएं भेजी, अभियान चलाए। इसके अलावा अर्थात इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। कल मैंने बेटा बताया था ना, अगर जो हर्ष जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर आगे नहीं बढ़ पाए, तो क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि चालुक्य और चोल राजा उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे उन्हें शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, कुछ समय की थी। अल्पकालीन जो विजय थी कुछ समय की थी। लड़ाई से दोनों वंश जो हैं, जो राजदार जो राजा हैं, दोनों का जो राजा है, राज्य है, वो कमज़ोर हो गया। दुर्बल का मतलब कमज़ोर हो गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः, यानी जो दोनों वंशों को, राजाओं को, अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम जो है कक्षा 7 में पढ़ेंगे। अब कह रहा है ये, वे कौन कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण चाहते थे, समुद्री तटों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे? तो इनमें बेटा आपका चोल शासक, चेर, पांडे तथा सातवाहन नामक जो शासक थे या जो वंशज थे, वो हैं तटों पर नियंत्रण करना चाहते थे। अब कह रहा है इन राजाओं का जो शासन है या प्रशासन है कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं की भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा, अर्थात ही जो है ये जो लोग हैं, जो राजा हैं, शासन कैसे चलाते थे? क्योंकि भूमि से जो इन्हें कर प्राप्त होता था, उससे जो आय प्राप्त होती थी, उससे जो है ये अपना शासन चलाते थे। प्रशासन की प्राथमिक कई गाँव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर ये कह रहा है, कई महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद पर अनुवांशिक बन गए। अनुवांशिक अर्थात ऐसे, अनुवांशिक मतलब हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बना रहा, जैसे बाप है, बाप के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, वो कहलाता है अनुवांशिक।
अर्थात बेटे ने अपने पिता का पद पाते थे। जैसे ही कवि हरिसेन ने अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन महादंड नायक थे अर्थात एक न्यायिक अधिकारी थे, और साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण जो राजा की सेना में एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति विषयों में वे दोनों मंत्री थे। संभवतः वहाँ की स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य रूप से बैंकर यानी शहर का व्यापारी, बैंक बैंकर के बाद में क्या बन गया, आगे चलकर बैंक बन गया, तो बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थ वाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग इसमें शामिल थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए या हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते, अर्थात उस राजा से अलग होकर यानी बगावत करके या उसको धोखा देकर अपना अलग से राज्य वो बना लेते थे। अब ये कह रहा है, सोचकर बताएं कि अफसरों का पद अनुवांशिक कर देने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। अनुवांशिक पद करने से बेटा एक फ़ायदा तो ये हो सकता है, यदि कोई राजा ईमानदार है, मंत्री ईमानदार है, तो उसके जो पुत्र है वो भी ईमानदारी बनेगा, क्योंकि उसमें संस्कार ऐसे डाले जाएंगे। और यदि कोई अयोग्य व्यक्ति है तो उसके जो आने वाले संतान वो भी अयोग्य होगी उसको, क्योंकि वह उसको अच्छे संस्कार या अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगा। यह कई बार ऐसा हो सकता है, अगर जो है राजा जो व्यक्ति वो खुद वो तो योग्य होता है, उसके जो संतान अयोग्य निकल आती है, तो ऐसे व्यक्ति यदि पद पर बैठ जाते हैं तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही, बाकी का जो वीडियो हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।